असलम एवरीवन, दिस इज़ मी डाइटिशियन एमन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग फेस मास्क शेयर करूँगी, ठीक है। ये फेस मास्क जो है ये आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स का हल है, ठीक है। अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन है, अगर डार्क स्पॉट्स का मसला है या डार्क सर्कल्स का मसला है, ठीक है, उसके लिए ये रेमेडी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग है। और अगर आप अपनी स्किन को जो है वो नेचुरली ब्राइटन अप करना चाह रहे हैं, ठीक है, अनइवन स्किन टोन है, दाग धब्बे हैं, छाइयों का मसला है, उन सब प्रॉब्लम्स के लिए आज की जो रेमेडी है ये बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, ठीक है। आप खुद जब इसको ट्राई करेंगे तो आप भी इसके रिजल्ट देखकर खुश हो जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है। इस फेस मास्क को बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आप जो है अपनी स्किन पर नेचुरली ग्लो लाना चाहते हैं, अपनी स्किन को ब्राइटन अप करना चाहते हैं, डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को, डार्क सर्कल्स को बाय बाय करना चाहते हैं, तो ये रेमेडी आपने लाजमी ट्राई करनी है, ठीक है। वीडियो के एंड तक ध्यान से देखना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी और जिस तरह से मैं शेयर कर रही हूँ आपने उसी तरह से चीज़ों को अप्लाई करना है ताकि आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिल सकें। तो चलिए जी, चलते हैं अपने फेस मास्क की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। तो चलिए जी अपने रेमेडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस रेमेडी के जो है वो टू स्टेप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हम करेंगे क्लींजिंग। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है क्लींजिंग, ठीक है। कोई भी फेस मास्क अप्लाई करने से पहले क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होता है, क्योंकि हम ऐसे ही अपने फेस पर कोई भी जो है मास्क अप्लाई नहीं कर सकते। फेस पर जो है वो मैल वगैरह भी होती है, डर्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह पड़ी होती है, ठीक है। तो इसलिए फेस की क्लींजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले फेस को वॉश कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है वो क्लींजिंग ऑलरेडी कर ली हुई है। आपने क्लींजिंग के लिए क्या करना है, फेस को सबसे पहले वॉश करके उसके बाद आप जो है चाहें तो किसी भी क्लींजर के साथ फेस की क्लींजिंग कर सकते हैं, या फिर जो है आप कच्चा दूध लेकर, जो कि बहुत ही बेस्ट क्लींजर होता है, कच्चा दूध लेकर उसमें जो है वो एक कॉटन का पीस डिप करें और उससे जो है वो आप अपने फेस की अच्छी तरह से क्लींजिंग करें। आपने क्या करना है, 2 से 3 मिनट तक ये जो कच्चा दूध है इसके जो कॉटन जो डिप करके रखी है, ठीक है, अच्छी तरह से फेस की जो है क्लींजिंग कर लेनी है ताकि फेस जो है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए, पोर्स की अच्छी तरह से सफाई हो जाए, ताकि जब हम मास्क अप्लाई करें तो वो डायरेक्टली हमारी स्किन में पेनिट्रेट कर जाए और हमें जो है बेस्ट रिजल्ट उसके मिल सकें, ठीक है। तो चलें जी, क्लींजिंग हमारी हो चुकी है। क्लींजिंग के बाद बारी आती है सेकंड स्टेप की, जो कि है फेस मास्क, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फेस मास्क को बनाना किस तरह से है, देन जो है वो उसकी एप्लीकेशन करेंगे। फेस मास्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पोटैटो, ठीक है। आज की वीडियो का जो हमारा सुपर इंग्रेडिएंट है वो है आलू। आलू को जो है वो अच्छी तरह से आपने पहले वॉश कर लेना है ताकि इस पर जो भी मिट्टी वगैरह हो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इसके बाद इसको जो है वो छील लेंगे, ठीक है। छील के जो पोटैटो में स्टार्च होती है ना, वो स्टार्च हमें चाहिए। उसके लिए पोटैटो को छील कर उसके बाद इसको ग्रेट कर लेंगे। आपने अपने हिसाब से जितनी क्वान्टिटी आपको चाहिए आप जो है वो आलू छोटा या बड़ा ले सकते हैं। एक फेस के लिए हमें जितना जो है वो आलू का रस चाहिए उसके लिए इतना आलू काफ़ी होगा। इसका बेसिकली हमें जो है वो आलू का जूस चाहिए होगा। आलू को जो है वो अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इसको जो है वो हाथ की मदद से इस तरह दबाकर अच्छी तरह से इसका जूस निकालेंगे। पोटैटो जूस में जो है वो स्टार्च पाई जाती है, जिसकी वजह से ये आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में मदद करता है। इसके अलावा डार्क स्पॉट्स, मेलास्मा को ख़त्म करता है, ठीक है, और ये डार्क सर्कल्स को भी ख़त्म करता है, ठीक है। इतना ये बेस्ट है पोटैटो का जूस। इसके अलावा पोटैटो में विटामिन सी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को जो है वो ब्राइट करता है, स्किन टोन को इवन आउट करता है, स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, स्किन को हेल्दी रखता है। इसके अलावा पोटैटो जूस जो है वो अंडर आई पफिनेस को कम करता है, डार्क सर्कल्स को कम करता है, स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज करता है, ड्राई होने से बचाता है। इसके अलावा जो है पोटैटो जूस जो है वो एक्ने को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। स्किन पर जो है जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनको रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो साफ़ हो जाती है और एक्ने नहीं होती, एक्ने कंट्रोल में रहती है। क्योंकि पोटैटो जूस में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है तो ये स्किन को टाइट करता है, ठीक है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को ख़त्म करता है और यूथफुल ग्लो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा पोटैटो जूस में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, टैनिंग और डार्कनेस को स्किन से रिमूव करता है, स्किन को लाइट करता है, ठीक है, ब्राइटन अप करता है। तो इसलिए जो आलू का रस है ये बेस्ट इंग्रेडिएंट है हमारी आज की रेमेडी के लिए। आलू का जो है वो जूस मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे निकाल लिया है। ये तकरीबन 2 चम्मच जो है वो जूस बना है, ठीक है। इसमें जो है मैं 1 चम्मच कॉफ़ी का शामिल करूँगी, ठीक है। जैसे ही मैंने कॉफ़ी शामिल किया इसका कलर एकदम से ब्लैक हो गया, लेकिन यहाँ ऐसा ऐसा इसका कलर जो है वो ठीक हो जाएगा। कॉफ़ी जो है ये बहुत ही बेस्ट एक्सफोलिएटर के तौर पर काम करती है, ठीक है। डेड स्किन को रिमूव करती है, टैनिंग को, पिगमेंटेशन को ख़त्म करती है, स्किन को टाइट करती है, ठीक है। स्किन पर जो है वो सूजन को ख़त्म करती है, डार्क सर्कल्स को कम करने में मदद करती है, स्किन को जो है वो ब्राइटन अप करती है, ठीक है। इसके अलावा कॉफ़ी जो
है वो डलनेस को ख़त्म करती है, स्किन को हाइड्रेट और फ्रेश करती है। ठीक है, इसमें जो है मैं 2 चम्मच जो है वो चावल का आटा शामिल कर रही हूँ। ठीक है, राइस फ्लोर जो है ये भी स्किन की टोन को लाइट करता है, कम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है, जो भी स्किन पर डर्ट होती है उसको रिमूव करता है। ठीक है, डेड सेल्स को रिमूव करता है, अगर स्किन पर इरीटेशन है या रेडनेस है उसको ख़त्म करता है, डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। ठीक है, चावल का आटा जो है वो स्किन टोन को इवन करता है, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, डार्क सर्कल्स को कम करने में मदद करता है, स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है जिसकी वजह से स्किन जो है वो क्लियर और स्मूथ नज़र आती है। इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो दही का शामिल किया है। ठीक है, दही जो है इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है और ये आपकी स्किन की बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो क्लींजिंग करता है। ठीक है, ये बेस्ट क्लींजर है स्किन के लिए। ये जो है वो स्किन पर जो भी दाग धब्बे हैं उनको भी ख़त्म करने में, उनको कम करने में, लाइट करने में जो है हेल्प करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने जो है वो 3 to 4 drops लेमन जूस के ऐड किए हैं। ठीक है, लीमू का रस भी मैंने इसमें शामिल किया है और इन सब चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने जो है वो 1/2 चम्मच बेसन का भी शामिल किया, वो वाला जो क्लिप है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। ठीक है, तो 1/2 चम्मच इसमें आपने बेसन का भी शामिल करना है। इसमें मैंने 1 teaspoon जो है वो एलोवेरा जेल का शामिल किया है। ठीक है, एलोवेरा जेल जो है वो ब्लेमिशेस को ट्रीट करने में हेल्प करती है, डार्क सर्कल्स को कम करने में हेल्प करती है, पफिनेस को ख़त्म करती है, स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज रखती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और इसका एक जो है स्मूथ सा फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है इस कंसिस्टेंसी में, ताकि ये जो है फेस पर प्रॉपरली और अच्छे तरीके से अप्लाई हो सके। चलें जी, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त फेस मास्क बनके तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसको अप्लाई किस तरह से करना है और जो है वो कितने दिन इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका मेथड है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारा बहुत ही अमेजिंग फेस मास्क जो है ये बनके तैयार हो गया है। ठीक है, अब जो है वो बारी आती है इसको अप्लाई करने की। ये कुछ इस कंसिस्टेंसी में हमारा बना। अब इसको जो है पूरे फेस पर हाथ की मदद से अप्लाई कर लेंगे। पोटैटो में जो है वो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्किन पर जो भी डार्कनेस है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो रिमूव करता है। ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है पोटैटो का जो जूस हमने इसमें ऐड किया है। ठीक है, स्किन जो है वो अनइवन हुई हुई है, डलनेस है स्किन पर, ठीक है, टैनिंग है, उस सब के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ख़ास तौर पर अगर आपको डार्क सर्कल्स का मसला है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही बेस्ट मास्क है, आप इसको अप्लाई करें। पूरे फेस पर अच्छी तरह से इस मास्क को अप्लाई कर लेना है। इस फेस मास्क को आप हफ्ते में 3 से 4 दफ़े अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप एक दिन लगाएं, एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लें। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पूरे फेस पर अच्छी तरह से मैंने मास्क अप्लाई कर लिया है। ठीक है, अब इसको जो है वो 15 से 20 मिनट तक इसी तरह लगे रहने देना है ताकि ये ड्राई हो जाए। ठीक है, पूरी तरह से ड्राई नहीं करना, तकरीबन 80% तक जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद फिर जो है मैं दोबारा आती हूँ। ठीक है, इसको लगाने के बाद आप जो है वो आराम से लेट जाएं। ठीक है, थोड़ी देर स्किन को, अपने फेस को जो है वो रिलैक्स रखें और देन जो है इसको ड्राई होने दें। 15 मिनट हो चुके हैं और फेस मास्क जो है ये मेरा ड्राई हो गया है। ठीक है, ये ज़्यादा ही ड्राई हो गया है, तो आपने क्या करना, अगर इस तरह आपका ज़्यादा ड्राई हो जाए तो पानी लेना है। ठीक है, पानी में जो हाथों को थोड़ा सा लगा के और इसको जो है वो इस तरह टैप टैप करके गीला कर लेना है, सारे मास्क को गीला कर लेना है आपने अच्छी तरह से। पानी के साथ पूरे फेस को अच्छी तरह से जो है वो गीला करने के बाद आपने जो है इसका मसाज करना है। ठीक है, 1 से 2 मिनट तक जो है वो अच्छी तरह से इसका मसाज करना है। ये इतना अमेजिंग, इतना ज़बरदस्त फेस मास्क है, ये एक तो आपकी स्किन को जो है वो ब्राइटन अप करेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगा, दूसरा जो भी ब्लेमिशेज हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, दाग धब्बे हैं, ठीक है, उनको जो है वो लाइट करेगा, डार्क स्पॉट्स को कम करेगा, डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करेगा। इतनी ये अमेजिंग, इतना ये ज़बरदस्त फेस मास्क है। 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से मसाज करने के बाद इसको आपने ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। चलें जी, फेस वॉश मैंने कर लिया। ठीक है, आपने भी इस रेमेडी को लास्ट में ट्राई करना है, इतनी ये अमेजिंग, इतने ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं।
आप जब खुद लगाएंगे, आप खुद जब यूज़ करेंगे इस रेमेडी को, आप देखेंगे कि आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो किस तरह से ब्राइट होता है, ठीक है। इस रेमेडी से आपका कॉम्प्लेक्शन भी ब्राइट एंड अप होगा, आपके जो है डार्क सर्कल्स हैं, अगर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं फेस पे, दाग धब्बे हैं, ठीक है, तो वो भी जो है लाइट होना शुरू हो जाएंगे इस रेमेडी के रेगुलर यूज़ से, ठीक है। आप इस रेमेडी को रोज़ाना ट्राई करें, रोज़ाना भी लगा सकते हैं या एक दिन छोड़ के भी लगा सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आप जो है बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल करें, और आपने इसको लास्ट में इस्तेमाल करना है, और कमेंट्स में मेरे साथ जो है अपना फीडबैक लास्ट में शेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की बहुत ही अमेजिंग और रेमेडीज़ के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इस रेमेडी को लास्ट में ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी और न्यू रेमेडी के साथ किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।